दोस्तों आज हम बात करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस आरसीबी के मैच की। विराट कोहली फिर नहीं आए, खुशी की बात, द सुपरमैन एबी डिविलियर्स बैक। और एक बहुत ही अकलमंदी की आरसीबी ने, जैसे उनकी ज़बरदस्त गेम चल रही है वैसे उन्होंने एक ज़बरदस्त डिसीजन लिया कि कोहली तो खेल नहीं रहे हैं, चलो भैया गेल को भी आज आराम कराते हैं। तो जो एक आधे आदमी है जो जिनका दिन हो मैच जिता जाएगा उसको ही बाहर बैठा दिया। मुझे समझ नहीं आता इनकी टीम में ये मनदीप है, संदीप है, जो भी है वो बैटिंग करता है शुरू में, या वो ओपनर है उसका मुझे नाम भी नहीं मालूम, या वो नीचे वो पता नहीं कहाँ का ऑलराउंडर है, वो रॉजर भी नहीं, स्टुअर्ट भी नहीं उसका लड़का, ना वो बॉलिंग के लायक है ना उससे बैटिंग होती है। इन लोगों की जगह भैया गेल को बैठाया हुआ है ये कहकर कि भी फील्डिंग में स्लो है। अरे भैया टिक गया 5 ओवर तो मैच का तख्ता पलट देगा। अब क्या हुआ मैच में, वॉटसन से ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है, कप्तानी घंटा होगी, उसको रखा क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया अब तक, जब उसके दिन ख़त्म हो चुका है, रिटायर हो चुका, भैया बैठा उसे बाहर। वर्स्ट स्टार्ट, अक्षर पटेल उन्हें ऐसे आउट करते हैं आकर जैसे कोई बच्चा नहीं होता, जैसे ही वो आता है उसको बॉलिंग पे लाते हैं, उसको साफ करता है 3 बॉलों में, चलता बनता है। अगर एबी डिविलियर्स 45 से 46 गेंदों में 83-84 रन ना मारते तो 148 छोड़ो इनके 100 रन के लाले हो गए, वो एक आदमी अकेला क्या करे। मजाक में चेस कर गए किंग्स इलेवन वाले, और दाद देना चाहूँगा मैं रिद्धिमान साहा की, वो मनदीप संदीप जो भी है उसकी क्या कैच पकड़ी है, एज लगी बैक साइड ऑलमोस्ट 6 बाउंड्री के पास, विकेट कीपर दौड़ते हुए जा रहे हैं द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द बॉल इज डाइवर्टिंग एंड इवेंचुअली डाइव टू कैच इट, स्प्लेंडेड एफर्ट। This really proves that right now Riddhiman Saha is the best wicketkeeper in India who has cleanest of hands. So the future of India after Dhoni is in good hands. So job well done Riddhiman Saha, aap sach mein buddhiman saha. Bygones bhi bygones, RCB ka hai bura haal, बॉलिंग बहुत ही घटिया है उनकी, बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ थी वो रही नहीं, डिविलियर्स आते हैं तो गेल बैठा देते हैं, कोहली इंजर्ड है पता नहीं कब वापस आएंगे, राहुल का वापस आना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट देयर बैटिंग शुड गेट बैक टू ट्रैक, अदरवाइज इट्स एंड ऑफ द रोड फॉर आरसीबी जस्ट लाइक गुजरात लायंस। अब बात करते हैं आज रात को होने वाले मैच की, ट्यूसडे मैच बिटवीन राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स एंड दिल्ली डेयरडेविल्स। दिल्ली की बॉलिंग है टॉप क्लास, बैटिंग है थर्ड क्लास। इस बार यही रोना है इस आईपीएल का, जस्ट वन मैच केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस जिसमें थ्रिल था, मज़ा था, नो डाउट केकेआर की रद्दी फील्डिंग ने मुंबई को जीतने दिया आखिर में, बट स्टिल व्हाट अ नेल बाइटिंग फिनिश। उसके अलावा सारे वन साइडेड मैच हो रहे हैं, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा भैया। मैच फिक्सिंग फिर से ले आए वापस क्या, अनटिल एंड अनलेस टीम्स लाइक गुजरात लायंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, आरसीबी ये वन ट्रैक पे ही चल रही है, बॉलिंग है, बैटिंग नहीं है, फील्डिंग है, साला ये नहीं है वो नहीं है, एक ऑलराउंड टीम चाहिए। पंजाब इज डूइंग रियली वेल राइट नाउ, सो मैक्सवेल इज लीडिंग हिज रिसोर्सेज प्रीटी वेल, मुंबई लुक्स गुड, बट रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है उनका आगे बढ़ने के लिए। KKR इज नो डाउट एन ऑलराउंड टीम, बट स्टिल बहुत ज़्यादा स्पिन डिपेंडेंट, और फील्डिंग सुधारो भाई, फील्डिंग सुधारो, गंभीर साहब थोड़े गंभीर हो जाइए फील्डिंग के मामले में। सो वोट गाइस, मेरे ट्विटर पे भी आप वोट कर सकते हैं, पोल चल रहा है, हु विल विन टुनाइट, पुणे और दिल्ली। अब
अभी तक तो देखो जो सट्टा चल रहा है वो पुणे के फेवर में चल रहा है। 80% पीपल आर सेइंग पुणे विल विन टुनाइट। दिल्ली की बैटिंग का बुरा हाल, बट लेट्स सी। ऋषभ पंत ने थोड़े पॉजिटिव्स दिखाए थे, कोई और चले उनकी तरफ से। तो कल मिलते हैं आपको इसी प्रीव्यू के साथ, आफ्टर मैच रिव्यू। अमित दत्ता, नंबर वन स्पोर्ट्स क्रिटिक, इंडियाज आंसर टू हॉलीवुड। जय हिंद।